देखिए आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। तो ये हमने आलू उबाल के इसको छील के रख लिए हैं। और ये मसाले हैं, नमक है, चाट मसाला है, और ये भुना हुआ जीरा है एक चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच खटाई है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसलिए मिर्चें ये बहुत तेज़ है, और नमक है। ये सब आलू में चला जाएगा। और ये हमने हरी मिर्चें काट लिया है 6-7, और हरी धनिया है, और एक बड़ी प्याज हमने काट लिया है उसको महीन, और ये सब आलू में चला जाएगा। देखिए ये हमने आटा ले लिया है, इसमें हमने थोड़ा मैदा मिला लिया है, और इसमें ये मसाले हैं, ये जीरा है आधा चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच नमक है। इसको हम आटे में डाल के और आटे का डो तैयार कर लेंगे। देखिए आटा मेरा घोल के तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, बाद फिर पराठे भरना शुरू कर देंगे। देखिए अब हम इसको आलू को सब मसाला डाल के तैयार कर ही लेते हैं। और आटा मेरा गुन चुका है, तैयार है, फिर पराठे बनाना शुरू कर देंगे। ये आलू हम हाथ से ही मल रहे हैं। देखिए जिसमें मसाले हमने लिए थे ये सब इसमें हम डाल देंगे। सारे मसाले डाल दिए हैं, और ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये प्याज कटी हुई है, इसको भी हम सब आलू में डाल देंगे। ये देखिए आलू मेरा सब मसाला डाल के तैयार हो चुका है पराठे के लिए। अब इसको हम आटा ले लेते हैं, और आटा लेके इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं, और इसकी हम छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए हमने ये रोटी बेल ली है। अब इसको हम इसमें ऐसे भर लेंगे। ये देखिए इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको बेला जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐसे मैदा लगा लेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको, चाहे हाथ से कर लीजिए, चाहे बेलन से बेल लीजिए, जैसे भी कर लीजिए। देखिए ये बेल दिया है, चाहे बड़े बनाइए चाहे छोटे बनाइए, ये आपके ऊपर है। ये बिक गया है पराठा। देखिए इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारे तैयार करके फिर अब तलना शुरू कर लेंगे। ये देखिए पराठे बिल गए हैं, अब हम इसको तलने जा रहे हैं।
पे भी इस पर हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। अब इस साइड भी हम तेल लगा देंगे। देखिए इस साइड से हो चुका है, अब इसको हम इधर पलट देंगे तो अच्छा कलर आया है। देखिए मेरे दोनों साइड से कितने अच्छे पराठे सिक गए हैं। अब इसको हम निकाल देते हैं फिर दूसरा डाल। देखिए दूसरा भी तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे ही तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी पराठा तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए मेरे आलू के पराठे तैयार हैं, कितने क्रिस्पी, कितने अच्छे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप लोग भी ज़रूर इसको बना के ट्राई करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा।